तो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर ग्रैनी चैप्टर टू। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, खासकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जेनत शेख के कमेंट पे। इन्होंने पूछा है कि भाई जो शॉटगन की लोकेशन होती है ग्रैनी चैप्टर में वो कहाँ पे होती है। तो शॉटगन के बारे में पूछ रहे थे, बट इन्होंने गलती से ईस्टर्न गन लिख दिया था। तो शॉटगन ग्रैनी चैप्टर टू में एक ही जगह पर होती है, बट इसको ओपन करने के लिए हमारे लिए ज़रूरत पड़ती है, वो होती है वेपन की, ठीक ना। तो शॉटगन होती है यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं आप, पियानो रखा हुआ है, इसके फ्रंट में जो होती है एक बुक रैक, तो इस पर आप क्लिक करेंगे एंड ये फिर इस साइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हमारे लिए रूम मिलता है छोटा सा, इसमें हमारे लिए बैठ के जाना होता है, और यहाँ पे रखी होती है भाई, सॉरी यहाँ पे रखी होती है शॉर्ट गन ये। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपके लिए कि ग्रैनी चैप्टर टू में जो वेपन की लोकेशन है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से चलते हैं सबसे पहले हम ऊपर। तो पहली लोकेशन तो ये होती है, यहाँ पे ही मिल जाती है वेपन की, तो चेक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे नहीं है, एंड इसके बाद इस रूम में मिल जाती है हमारे लिए, तो इसमें चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। और भाई ग्रैनी चैप्टर टू में ना वेपन की बहुत सी जगह पे मिलती है भाई, कहीं भी मिल सकती है आपके लिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, वेपन की कहीं पर भी मिल सकती है। तो ये लोकेशन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, खास खास लोकेशन ग्रैनी चैप्टर टू में वेपन की, ठीक है ना। एंड इसके बाद एक लोकेशन ये होती है, तो फिलहाल यहाँ पर ईस्टर्न गन है, तो यहाँ पर नहीं मिलेगी एंड यहाँ पे आपके लिए नहीं मिलती। तो इसके बाद हम जाएंगे अंदर, एंड इसके बाद एक लोकेशन ये है, तो इसमें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी नहीं मिली हमारे लिए। एंड इसके बाद हम जाएंगे अब बेडरूम में, तो चलिए चलते हैं इस बेडरूम के अंदर। तो इसमें मिल जाती है हमारे लिए वेपन की, तो देखते हैं मिलती है या नहीं। तो गाइस ये रखी हुई है वेपन की, यहाँ पर मिल गई है हमारे लिए, ठीक है ना। तो इसको हम ले लेते हैं, और मैं आपके लिए और लोकेशन दिखा देता हूँ और कौन कौन सी लोकेशन है वेपन की दूसरी लोकेशन है गाइस ये, इसमें मिल जाती है वेपन की, बट इसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं ऐसे। इसको ओपन करने के लिए हमारे लिए ज़रूरत पड़ती है क्रोबार की। एंड ठीक इसी तरीके से एक उस तरीके का बॉक्स नीचे है, तो मैं अगली लोकेशन दिखा देता हूँ। ऊपर मिलती है हमारे लिए वेपन की, तो इसके बाद हमारे लिए ऊपर जाना होगा। एंड वेपन की अगली लोकेशन यहाँ पर होती है, इसमें मिल जाती है हमारे लिए। तो ये हैं खास खास लोकेशन। एक और लोकेशन नीचे, वो मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। तो नीचे वाली आखिरी लोकेशन है, चलिए मैं आपके लिए वहाँ पर ले के चलता हूँ। एंड ये गाइस बस ग्रैनी चैप्टर टू में इतनी ही वेपन की लोकेशन है जो मैंने आपके लिए बताई है। एंड ये आखिरी लोकेशन है जो मैं बताने वाला हूँ वेपन की, और इसको भी आप सिर्फ क्रोबार की मदद से ही ओपन कर सकते हैं। तो एंड लास्ट लोकेशन है वेपन की ये, इसको भी आप क्रोबार की मदद से ही ओपन कर सकते हैं। तो इतनी लोकेशन है गाइस ग्रैनी चैप्टर टू में वेपन की। एंड वेपन की मदद से आपके लिए मिल जाती है भाई यहाँ पे शॉटगन, तो वेपन की को लेके जाइए। यहाँ पे शॉटगन होती है ग्रैनी चैप्टर टू में, शॉटगन एक ही जगह पे होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आइए एंड जाइए वेपन की मदद से, इसको लीजिए, गन लीजिए, लोड कीजिए। एंड अब यहाँ से आप ग्रैनी एंड ग्रैंडपा दोनों को शूट कर सकते हैं। एंड इसके बाद वो 2 मिनट 30 सेकेंड के लिए बेहोश हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे, एंड आप अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ग्रैनी चैप्टर टू से ये शॉटगन के बारे में ये वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे लिए कमेंट कीजिए।